हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में हमें किस पोजीशन में सोना चाहिए, इस टाइम पे मैं किस पोजीशन में सो रही हूँ, वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे कि हमारी बेबी की ग्रोथ प्रॉपर हो सके, उसका वेट गेन हो सके, हमको प्रॉपर ऑक्सीजन और ब्लड का जो हमारी बॉडी में सप्लाई हो सके, कोई इश्यू क्रिएट ना हो। वैसे मोस्टली होता क्या है, जैसे जैसे हमारी टमी की साइज बढ़ती जाती है ना, हमें हमारे स्लीपिंग पोजिशन में थोड़ा सा चेंजेस करना होता है। 5th मंथ तक तो हमारी टमी की साइज बहुत कम होती, तो तब तो हम जैसे चाहे वैसे सो सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। बट जैसे आपको लगता है कि आपकी टमी की साइज बढ़ गई है, उस टाइम पे आपको आपके सोने की पोजिशन में थोड़े से चेंजेस करने, जिससे कि आपके बेबी के ऊपर और आपकी नींद के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़े। पहले हम बात करते हैं कि हम किस पोजिशन में सोए कि हमारा बेबी को मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके, तो वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमें सबसे ज़्यादा जो हमें डॉक्टर्स बोलते हैं ना, वो लेफ्ट साइड में सोने के लिए बोलते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड में सोने से क्या होता है कि हमारे बेबी को है ना प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलते हैं, उसकी ग्रोथ अच्छे से होती है, उसके वेट अच्छे से गेन हो रहा होता है, क्योंकि न्यूट्रिशन उसे फुल मिल रहे होते हैं, एंड जो ब्लड ऑक्सीजन का सप्लाई होता है ना, वो भी बहुत अच्छे से हो रहा होता है। तो लेफ्ट साइड में अगर जितना ज़्यादा हो सकता है आप ट्राई कीजिए कि लेफ्ट साइड में आप सो सको। मैं आपको बताती हूँ लेफ्ट साइड में आपको किस तरीके से सोना है, मैं किस तरीके से सो रही हूँ, तो आप वो भी जान लीजिए। सबसे पहले ये मेरा लेफ्ट करवट है, तो मैं यहाँ पे सोने के लिए मैंने एक छोटा सा पिलो लिया है, जिससे कि मैं अपने पैरों के बीच में इस तरीके से रखती हूँ कि मुझे आराम से सो सकती हूँ, मुझे दिक्कत नहीं होती है। और एक पिलो और मैं लेती हूँ साथ में, जिससे मैं अपने साइड में रखती हूँ, क्योंकि ये जो टमी का मेरा पार्ट है ना, कई बार वो बीच में आ जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेबी है ना बहुत ज़्यादा मूवमेंट करने लगता है, तो ये नहीं आता ना, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। मैं बताती हूँ, मैं इस तरीके से अपना पिलो लेके फिर सोती हूँ, आपको प्रॉपर दिखेगा, साइड से दिखाती हूँ। एक तकिया मैंने इस तरीके से अपने पैरों के बीच में लिया है, एक मैं साइड में रख के मैं ऐसे सोती हूँ कि जिससे ये मेरा साइड में होता है, ये थोड़ा सा पार्ट मेरा ऊपर आ रहा होता है, मैं आराम से इस तरीके से सोती हूँ। ये फर्स्ट पोजिशन होती है जिस वे में मैं सोती हूँ। मोस्ट ऑफ टाइम मैं ट्राई करती हूँ कि मैं लेफ्ट साइड में ही सोऊँ। कभी कभी क्या होता है कि हम लेफ्ट साइड में सोते सोते थक जाते हैं, करवट लेने का मन करता है, एक तरफ नींद भी नहीं आती, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, राइट टर्न भी ले सकते हो, जैसे सोते हुए आराम से वही तकिया मैं लेती हूँ, मैं बहुत बार ऐसे राइट टर्न भी लेके आराम से ऐसे सो जाती हूँ, पर पिलो मैं हमेशा बीच में रखती हूँ, क्योंकि मुझे कम्फर्ट फील होता है, इसलिए मैं पिलो रखती हूँ। आप चाहो तो नहीं भी रख सकते हो, आप चाहो तो प्रेगनेंसी पिलो भी बाय कर सकते हो, बट मैं इसे वेस्ट ऑफ मनी मानती हूँ। मैं अपने ओपिनियन कभी फिर बाद में बताऊंगी आप लोगों को सेपरेट वीडियो में। आप लेफ्ट या राइट दोनों में से किसी भी पोजिशन में सो सकते हो, बट ट्राई कीजिए मोस्ट ऑफ टाइम आप लेफ्ट पोजिशन में ज़्यादा सो सको। बट आपको जो ध्यान में रखना है वो ये कि इस टाइम पे आपको है ना बिल्कुल स्ट्रेट वाली पोजिशन में, जैसे कि इस तरीके से आपको बिल्कुल भी नहीं सोना है। ये सबसे वर्स्ट पोजीशन होती है प्रेगनेंसी में सोने की, आपको इस पोजीशन का हमेशा ध्यान रखना है कि आप इस पोजीशन में नहीं सो। पोजीशन में सोने से पता है क्या होता है कि हमारी जो टमी की साइज हो रही होती है ना, वो बड़ी हो चुकी होती है, और जो ब्लड फ्लो हमारी बॉडी में हो रहा होता है ना, वो है ना स्लो हो जाता है, और ऐसे में हर्ट तक है ना प्रॉपर ब्लड नहीं पहुँच पाता है, इसकी वजह से हमारी जो बीपी इसकी वजह से जो हमें बीपी का इशू हो रहा होता है ना, वो बीपी हाई हो जाती है, लो हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम होने के पूरे पूरे चांसेज होते हैं। इसलिए आपको है ना स्ट्रेट पोजीशन में सोने के लिए मना किया जाता है कि ब्लड का जो फ्लो है ना वो प्रॉपर हो सके, आपको दिक्कत नहीं हो और आपके बेबी को दिक्कत नहीं हो, इसलिए स्ट्रेट सोने के लिए मना किया जाता है। एंड बहुत बार आप सोचते हो कि मैं पहले पीठ के बल सोती थी, अब मैं पेट के बल मतलब अपना पेट टमी को दबा के आगे की तरफ सो सकती हो या नहीं सो सकती, तो वो भी है ना आप मत सोइए, क्योंकि आपका बेबी आपका पूरा प्रेशर अगर आप मतलब उल्टा सोओगे तो क्या होगा, बेबी टमी पे पड़ेगा, टमी पे पड़ेगा तो कहीं ना कहीं आपके बेबी को भी वो भी दबेगा और आपको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। और आपको एक तो पहली चीज क्या होगी, आप सोओगे ना तो भी तो आपको कम्फर्ट वाली नींद नहीं आएगी, आप खुद ही इरिटेट होते रहोगे, बार बार आपकी नींद खुल जाएगी, इसलिए इस पोजिशन में सोने के लिए भी मना किया जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में एक तो वैसे नींद है ना, जैसे जैसे टाइम आपका नियर बाई आ रहा होता है स्लीपिंग इशू होना स्टार्ट हो जाता है, तो आपको वैसे ही बहुत कम नींद आती है, वैसे में आप अच्छे से सोओगे तो प्रॉपर आपका जो नींद का इशू है वो भी कम होगा। 3 चीज़ों का आपको ध्यान में रखना होता है, अगर आप अच्छे से सोओगे तो अच्छे से आपको नींद आएगी, आपका डे अच्छा रहेगा, आप एनर्जेटिक रहोगे। तो बस मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हो वो भी आप मुझे बता सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।